तो देखिए, जो लफ्ज कहा जाता है ना कि इश्क का लफ्ज, ये जो बहुत ज्यादा आप टीवी के ऊपर आप सुनेंगे और एक तूफान बदतमीजी बरपा होगा, लुगत के एतबार से तो जाहिर कहा जाता है इसका मोहब्बत का जो बुलंद तरीन दर्जा है उसको कहते हैं। अलबत्ता सूफिया ने इस सिलसिले में एक गुमराह कुन नजरिया पेश किया था कि अल मजाजु कंतरतुल हकीका, यानी इश्क हकीकी जो परवरदिगार का इश्क है उसको दिल में पैदा करने के लिए जरूरी है कि इंसान इस दुनिया में किसी से इश्क मजाजी करे। ये बाकायदा गुमराह कुन नजरिया सूफिया ने इसको बाकायदा फैलाया और सख्त तरीन इसकी उलमा की तरफ से मजम्मत भी हुई। तो बहरहाल लुगत के एतबार से तो शदीद मोहब्बत को कहा जाता है, और एक पौधा है जिसको एक बेल टाइप का, जिसे इश्क पेचा की बेल की, जो दरख्त को इस तरह से लपेट लेती है कि दरख्त की जो समझे एक लिहाज से हम आम जबान में कहें कि तनफ्फुस की राह को बंद कर देती है और उसे जर्द कर देती है। इसी वजह से जो इबादत इलाही के आशिक होते हैं वो भी इसी तरीके से खौफ इलाही से और इबादत कर करके इसी तरह से जर्द नजर आते हैं। तो बहरहाल कुरान में अल्लाह के लिए हुब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है या मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जबकि लफ्ज इश्क को कुरान ने किसी भी जगह वैसे जिक्र नहीं किया। अहदीस में कुछ में आया है, अलबत्ता कुरान ने इसको जिक्र नहीं किया। और अहले लुगत जो कि आमतौर पर कहते हैं कि इससे मुराद शदीद मोहब्बत है, तो कुरान ने भी शदीद मोहब्बत का लफ्ज तो इस्तेमाल किया लेकिन उसको इश्क के लफ्ज से नहीं बदला। मसलन जो कुरान की आयत है आई है कि वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, के साहिबान ईमान अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। तो यहां बहुत आराम से बात कही जा सकती थी कि अल्लाह के आशिक होते हैं, लेकिन इस लफ्ज को परवरदिगार आलम ने यहां अशद्दो हुब्बल लिल्लाह का तो लफ्ज इस्तेमाल किया है लेकिन यहां उसको इश्क से नहीं बदला है। इसलिए बहुत से अहले इल्म हजरात कहते हैं कि अल्लाह के लिए इस लफ्ज के इस्तेमाल इस लफ्ज को इस्तेमाल करना कभी है, क्योंकि इसका ज्यादातर रुझान इश्क मजाजी की तरफ होता है कि जिसके अंदर आमतौर पर हराम रुझानात जो है वो पैदा होते हैं। और एक वजह शायद ये भी है कि जो लफ्ज इश्क है ये गैर मुतवाजिन जो कैफियत होती है उसके ऊपर दलालत करता है, यानी जिसमें इंसान होशो हवास जिसके जाते रहते हैं, जबकि अल्लाह के बंदे जो होते हैं वो कमाल मोहब्बत में हदूद जो शरीयत की जो हदूद हैं और कवायद हैं उससे जरा सा भी इख्तलाफ नहीं करते, और हर हाल में यानी उनके ऐसे होशो हवास नहीं जाते कि जिसमें शरीयत ही मुख्तल होकर रह जाए और उस पर अमल ना हो सके। यही वजह है कि जो वाकई करबला में नहीं मिलता कि उन्होंने पूछा था कि हम खेमों में जलकर मर जाएं, यानी उस वक्त भी हालांकि कमाल इश्क खुदाबंदी पाया जाता था लेकिन उस वक्त भी एक हुक्म शरीयत की पासदारी के लिए वाला सवाल पूछा गया कि खेमों में जल के मर जाएं या बाहर आ जाएं। कितने असहाब के मुतालिक मिलता है कि हालात जंग में शदीद प्यास का आलम था, जख्मी भी थे, लेकिन जब पानी दिया जाता था और पानी मुंह में लगते ही खून निकल के पूरा आलूदा हो जाता था तो उस पानी को फेंक देते थे, क्योंकि खून आलूद पानी जो है वो पीना हराम है। यानी वहां पर भी उस कमालिश के खुदा परवरदिगार का और मोहब्बत रखने के बावजूद भी जो शरीयत के कवायद हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं की, क्योंकि जरा सा भी तजावुज हो जाए तो इसमें सूए अदब का अहतमाल होता है और गुमराही में पड़ने का कवि अंदेशा होता है। और इसकी कितनी मिसालें भी हैं जो जरा मोहब्बत में अपने तई मोहब्बत में आगे बढ़ गए। आप देखिए नसारा हजरत ईसा को खुदा का बेटा बना डाला। बहुत से मोहब्बान अहले बैत जो कहते हैं कि हम इश्क अहले बैत के अंदर बहुत ज्यादा आगे चले गए, तो वो मसला ये होता है कि इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो गाली और मुफव्वजा बन जाते हैं। तो इस वजह से गैर मुतवाजिन किस्म की इसमें कैफियत हो जाती है जिसको इस्लाम ने पसंद नहीं किया, बल्कि मोहब्बत का शदीद जज्बा तो कहा कुरान ने लेकिन उस अंदाज में जो कि मुस्तामिल है गलत मानों में और सिर्फ गैरुल्लाह के लिए आमतौर पर ज्यादातर इस लफ्ज का इंतखाब होता है, कि शायद इस वजह से भी कुरान ने इसको इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, अब इसके बेतहाशा शदीद नुकसानात भी। देखिए, खास एक डिस्टेंस महरम और नामहरम के दरमियान इस्लाम ने रखा है और उनके दरमियान जो तवाजुन है और जो हद फासिल वो पर्दा है। इनमें से अगर कोई शख्स भी जरा सा भी आगे बढ़ेगा तो आप देख रही हैं कि इसमें फौरन उसका बैलेंस आउट हो जाएगा और दोनों नीचे गिरेंगे। तो इस्लाम ने यह समझे कि जिसके ऊपर यह तख्ता रखा हुआ है, ये पर्दे और हिजाब ये फिकही कानून है, ये जो खास डिस्टेंस इनके दरमियान रखा है, अगर इस डिस्टेंस को जरा सा भी कोई क्रॉस करने की कोशिश करेगा और एक शख्स भी इसमें आगे बढ़ेगा तो इसका नतीजा दोनों की हलाकत की सूरत में होगा। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि इससे बेपनाह नुकसान नौजवानों को देख लें, उनकी पढ़ाइयां तबाह बर्बाद हो जाती हैं, उनकी जिंदगियां मुख्तल होकर रह जाती हैं,
जब वो गालिब भी कहते थे कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के वगैरह, जो कि आप सुनती हैं। तो बहरहाल एक मोमिन की शान के खिलाफ है कि वो इस तरह से इन इश्क मजाजी वगैरह के चक्करों के अंदर अपने वक्त को जाया करे। देखिए इस्लाम में एक हुक्म है जिसको कहा जाता है मनाफी और मुरव्वत काम। इस्लाम मनाफी और मुरव्वत कामों से परहेज की हिदायत करता है। इस पर पूरा एक अलग से 2.5-3 घंटे का लेक्चर जो है वो होना चाहिए कि मनाफी और मुरव्वत काम कौन कौन से होते हैं, यानी वो काम ना हराम होते हैं ना वो काम मकरूह होते हैं। अलबत्ता वो काम एक मोमिन की शान के खिलाफ जरूर होते हैं। जैसे मिसाल आमतौर पर दी जाती है कि आलिम दीन है, अमामा बाकावा पहन के जा रहा है और कहीं ठेले पे से छोले खरीद के और उकड़ू बैठ के कहीं खा रहा हो, तो हराम तो नहीं, मकरूह भी नहीं है किसी जगह लिखा हुआ, लेकिन लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे तो उनकी शान के खिलाफ है, उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मसलन मुझे किसी जगह आप देखेंगे वहीं ठेले पे खड़े होकर कहीं गोला गंडा मसलन खरीद के खा रहा हूं, तो आपको जो है थोड़ा सा एक कि हमें पढ़ाने आते हैं ये बड़े ठीक है, कोई आप उनसे पूछेंगे हराम है क्या मकरूह है, नहीं हराम मकरूह नहीं है, लेकिन इनकी शान नहीं थी कि किसी जगह पढ़ाते हों दीनी कोई चीजें तो ये इस तरह से खड़े होकर खाएं। जब भी कहा जाता है कि देखिए जो उर्फी गुनाह है ये शरई गुनाह से ज्यादा खतरनाक समझे जाते हैं। मसलन आप देखती हैं आम लोगों के अंदर भी कि मसलन अगर कोई लड़का गाने सुन रहा हो घर में, कोई बुरा नहीं मानता, ठीक है गाने सुन रहा है, लेकिन वही लड़का अगर सिगरेट पीता नजर आए बाप जो है पकड़ के मारता है उसको। देखा एक लिहाज से देखा जाए, अब इसकी फिक्री बहस में नहीं जा रहा, अमूमन आम तौर पर मराजे आप देखते हैं कि बहुत से मुज्तहिदीन भी जो है वो अगर सिगरेट पीते हैं तो वो एक अलग इस पर एक फिक्री मसाइल है, तो एक लिहाज से आम माहौल और माशरे में इसको कोई हराम भी नहीं समझा जाता ना मकरूह समझा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सिगरेट पीने में पिटाई होगी। गाना जो सरीहन हराम है उस पर किसी भी जो भी नहीं रिंगती, क्योंकि ये उर्फन इतना ज्यादा चीज मसलन इस अंदाज से राइज हो गई। कोई लड़की मसलन बेपर्दा घूमे कुछ भी नहीं होता, मां कुछ उसको नहीं कहती, लेकिन वही बेटी अगर चप्पल समेत मसलन सोफे के ऊपर चढ़ के खड़ी हो जाए फौरन मां उसको मारने के लिए आ जाती। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें, तो मोमिन को भी यही होता है कि उसके लिए हुक्म है कि जो उसकी जो शायन शान काम ना हो, जो मुनाफी और मुरव्वत समझे जाएं, उनको उस काम को नहीं करना चाहिए। तो नामहरमों के जो आशिक होते हैं, देखिए हमेशा ये अपने साथ एक बदनामी जरूर लेकर आता है। आशिक जो है मार भी खाता है, बाज़ोकात आपने देखा होगा कत्ल भी हो जाता है। तो ये बज़ाहिर आपको ये ऐसा नजर आता है कि हार्ट की शेप का, लेकिन असल में एक फंदा है कि जिसके अंदर ही गिरफ्तार होने जा रहा है। तो दुनिया देखिए उसको मायूब समझ रही है, ये बेमसन बैठा हुआ SMS कर रहा है, सब घर वाले देख रहे हैं, इसके खतूत पकड़े जा रहे हैं, इसकी इमेज पकड़ी जा रही है, इसकी इज्जत नफ्स मजरू हो रही है, बुरा भला इसे कहा जा रहा है, लेकिन वही कि सर आशिकी सलामत और कुछ बुरा ना माना जो आप सुनती हैं। तो यही इस नौजवान के साथ भी होता है, और यही नौजवान अभी तक जो इस अंदाज से काम कर रहा होता है, लेकिन जब कभी अपनी बहन को इस किस्म के कामों में मुब्तला देखता है तो फौरन जोश व जज्बात और गैज़ो गज़ब में भर जाता है, वो उसके खिलाफ जो है उसके ऊपर पाबंदियां लगाने लगता है। और अगर तो आप हम ये देखते हैं कि जो ये अफराद जो हैं अपनी इज्जतों से बिल्कुल बेबहरा हो जाते हैं और अपने साथ इसके साथ इतने ज्यादा मुंसलिक गुनाहने कबीरा है, यानी अगर आप देखें कि इतना सख्त ये खुदगर्ज किस्म का शख्स बन जाता है कि अपने मां बाप को बेनतहा तकलीफें पहुंचाता है। लड़कों का आप देखें कैसी बदकलामियां सिलसिले में करते हैं वालदेन से, लड़कियां कैसी कैसी जबानें इसके अंदर चलाती हैं, यानी ये कौन सी आपको ऐसी मोहब्बत हो गई है, जुमा जुमा आपको जो है वो 8 दिन हुए हैं, कि जो हकीकी मोहब्बत करने वाले वालिदैन हैं उनसे इतना बुरा सलूक आपने करना शुरू कर दिया, यानी उनको अपने दुश्मन समझना शुरू कर दिया, और इस शैतानी नफसानी ख्वाहिशात के मुकाबले में आपने वालिदैन की इज्जत को पायमाल करना शुरू कर दिया। ये असल में इश्क नहीं है, ये फिस्क है, ये फजूर है, ये बेहयाई है, ये गुनाह है, ये एक अजाब है कि जिसके अंदर आप इस वक्त मुबतला हैं। जो शख्स भी इसके अंदर मुबतला वो समझ जाए कि अब शैतान उससे क्या क्या गुनाह कबीरा नहीं करवाएगा। और ये भी देखा जाता है कि आमतौर पर ये शख्स जो होता है ये सख्त किस्म का खुदगर्ज और इनफरादियत पसंद बन जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, सख्त किस्म का इनफरादियत पसंद, ये सिर्फ और सिर्फ बस अपने अंदर मगन हो जाता है। इसे इज्तिमाई कामों से ही आपको गुरेज करता हुआ नजर आएगा, किसी दीनी मकसद के अंदर जो है आपको कहीं कोई काम करता हुआ नजर नहीं आएगा, इसे बस अपने मकसद का हुसूल चाहिए बस, चाहे कितने ही खानदान तबाह बर्बाद हो जाए, वालदेन कितने ही नाराज हो जाए, बाप की कितनी तबीयत खराब हो जाए। हत्ता कि ये तमाम अफराद जो हम देखते हैं कि हकूकुल्लाह के तारिक भी हो जाते हैं और हकूकुल इबाद के तारिक भी हो जाते हैं, यानी ये दोनों चीजों के अंदर शैतान इनको इस तरह से
जो है वो मुबतला करता है। तो ये ना किसी आदाब और रसूमात के फिर पाबंद रहते हैं जो शरीयत के, ना अहकामात शरीयत के कोई पाबंद आपको नजर आते हैं। हर एक से ये बदजन बदगुमानियां पैदा करते हैं, हर शख्स को अपने जो भी इनके मुकाबले में इनको समझाने की कोशिश करता है उसको अपना दुश्मन समझते हैं। इनको आप लाख फतावे दिखाएं कि देखिए मुज्तहिदीन ने फरमाया कि इस तरह से तुम्हारा इकदामात ही करने जायज नहीं है, उनकी बात नहीं मानेगा। उन्हें आप हदीसें सारी दिखाते रहें, उनकी हदीसें नहीं सुनेगा। मुकम्मल शैतान के चुंगल में ये गिरफ्तार हो जाता है, जिसके दिल में भी इश्क मजाजी चीज पैदा होती। वालदैन का नाफरमान ये नहीं होता, वालदैन इसको समझा रहे होते हैं कि देखो बेटा पढ़ाई कर लो, ये वो नहीं सुन रहा होता, देखो फोन पे इतनी देर बात मत करो, उनकी बात नहीं सुन रहा होता, रात को जल्द सोने की ताकीद करते हैं, नहीं सुनता ना ये सुनती। तो इनको सख्त अजियतों में मुबतला करता है, बदकलामियां करता है, झिड़कता है। कुरान ने जिनके मुतालिक कहा है कि इनको उफ तक भी ना करना, उनके सामने चीख चीख कर बातें कर रहा होता है। गौर्ज गुनाह ने कबीरा की एक सीरीज है, यानी अल्लाह उससे नाराज हो जाए इसको परवाह नहीं है, रसूल नाराज हो जाए परवाह नहीं है, इमाम नाराज हो जाए परवाह नहीं है, वालदेन रिश्तेदार नाराज हो जाए परवाह नहीं है, ये सबको नाराज करके अपनी शहवत और अपनी शैतानियत को जो है वो सिर्फ मद्देनजर रखता है, बाकी सबकी मुखालिफत करता है। शैतान सिर्फ इसी के ऊपर इसको नहीं छोड़ता है, एक के बाद एक नए नए गुनाहों में मुबतला करता है। फिर जाहिर है कहीं उसको नाकामी का सामना करना पड़ता है, अपनी राह में कुछ लोग मज़ाहिम उसको नजर आते हैं, अब ये हराम मौसीकी की तरफ भी माइल कर देता है, अब ये हुज़्निया गाने शुरू कर देगा सुनना और इस किस्म के और मौसीकी शुरू कर देगा। उसी के अंदर अगर इसको आज़ादी मिल जाए, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज इसके पास इस अंदाज की आ जाए, तो मसलन नामहरम को हाथ भी लगाएगा, बड़े बड़े उसके बाद गुनाहों के अंदर मुबतला होगा, हत्ता कि ज़िनाकारी के हद तक भी जो मामला चला जाता है, जो कि आजकल ये जो कितनी ज्यादा अमवात हो रही है इसका सबब यही रिवायात के अंदर बताया गया है। उसके बाद नाजायज औलादें, फिर उनका कत्ल, यानी कहां तक ये सिलसिला जाता है, जिसको जितने मौके मिलते जाते हैं शैतान उसको उसमें मुबतला करता जाता है, कत्ल की हद तक नौबत आ जाती है, खानदानी इज्जतों के जो जनाजे जो है वो गैरतों के जनाजे निकल जाते हैं। तो अच्छा, ये सब जो इस अंदाज से अगर ये अपना मकसद हासिल भी कर लें और बाज़ औक़ात इसके इतने ज्यादा गुनाहों को अंजाम देने के बाद ये शादी भी कर लें आपस में, तब भी हम देखते हैं कि आइंदा आने वाली जिंदगी में रिश्तेदारों की निगाह में इनकी कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, खामोश हो जाएंगे रिश्तेदार, लेकिन उसके बाद भी बाद में इनकी आपस में ज्यादातर शादियां भी उसके बाद नाकामी होती हैं, नाकाम हो जाती हैं इनकी शादी ज्यादातर, आपको पता है कि जाहिर है इस किस्म के चीजों में। तो फिर रिश्तेदार और वालदेन भी साथ नहीं देते, ना उनकी कोई मदद साथ होती है, ना उनकी दुआ साथ होती है, कहते हैं अब खुद भुगतो, तुमने किया है तो ये धुतकारे हुए सी जिंदगी गुजारते हैं। और सिर्फ यहीं तक मामला रुकता नहीं, बल्कि इनके इस जो इश्क मजाजी है इसके बुरे असरात नस्लों पर भी मोहित हो जाते हैं, औलाद तक सिलसिला चलता है, उसकी मां ऐसी थी, उसका बाप ऐसा था, ये गुनाह की परछाइयां फिर औलादों तक का उसका पीछा करती हैं, उनकी जिंदगी में मुतासिर करती हैं। ये जो लड़की जो आज इस तरह से मशहूर हो जाती है इश्क आशिक के चक्कर में, और फिर उसके बाद इनकी इसकी अपनी बहनों की शादियां मुश्किल हो जाती हैं, हत्ता कि इसके नतीजे में लोग कितने ऐसे हैं जो गैर मजाहिब में शादियां कर लेते हैं, बहुत से लोग काफिरों से हिंदुओं के साथ लड़कियां मसलन शादियां कर ली, उसके बाद सोची कि कैसी उनकी जिंदगी, या मसलन मुसलमानों में भी जो दीगर मसालिक हैं इसके चक्कर में आकर वहां शादियां कर ली, उनके बाद की औलादें कन्फ्यूज रहती हैं, जो मुहिब्बे अहले बैत बनने वाले थे वो किसी दूसरे राहों पर निकल जाते हैं, कि गर्ज ऐसे हजारों मफासिद हैं और ऐसे नुकसान हैं कि जो नस्लों पर मुहित हो जाते। तो कितनी ही सिफाते बद इस इश्क मजाजी की वजह से नौजवान लड़के और लड़कियों के अंदर पैदा होती है, कितने असरात हैं कि इतनी गुनाह ने कबीरा का मजमुआ लिए हुए है अपने अंदर कि इसके अंदर कोई खैर नहीं, जब इस्लाम ने इसको हराम करार दिया, जैसे कि अभी आगे चल के आपकी खिदमत में कुछ फतावे भी आने वाले हैं।